नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के झाबुआ में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। वहीं कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ विधानसभा क्षेत्र 193 से कांग्रेस की सीट मिली है। साथ ही सांसद कांतिलाल भूरिया को संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व दिया गया है, लेकिन सभी विधानसभा क्षेत्रों के भ्रमण और निरीक्षण को छोड़कर केवल अपने बेटे के आसपास ही वो घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि 11 दिसंबर को हमारी सरकार बन रही है और हम बीजेपी की दलाली करने वाली पुलिस के होश उड़ा देंगे। झाबुआ से सुनील डाबी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीआरपीएफ जवान का शव लेकर पहुंचे कमांडेंट से परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि छुट्टी न मिलने से ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान ने सरकारी गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए शव को लेने से मना कर दिया और अधिकारियों के सामने 3 मांग रखी है कि दोषी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो, शव का दोबारा से पोस्टमार्टम हो, मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। वहीं जब परिजन अपनी जिद पर अड़े रहे तो जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की सहमति देकर शव को पीएम हाउस भेजा। मेरा छोटा भाई राजीव कुमार सिंह सीआरपीएफ में साहूपुरी में पोस्टेड था। पिछले कुछ दिनों से वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किया गया था। वो रायपुर में कोई कबीर नगर थाना है, वहाँ पे कैंप उसकी थी। एक बार कल हमें सूचना मिली कि उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, लेकिन हमें सारी परिस्थितियाँ संदिग्ध दिख रही है और आज उसकी लाश विभाग द्वारा हमारे घर पे लाया गया है, जिसको कि मैंने लेने से इनकार कर दिया है। बहुत आज 5-6 घंटे से बॉडी आई है और बात चल रही है कि पोस्टमार्टम, वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए और थोड़ा उस पर पुष्टि हो रहा था कि कुछ ना कुछ बात है, इसलिए लेट हो रहा है। परिवार ये चाह रहा है कि उसकी पोस्टमार्टम हो और फॉरेंसिक जांच हो और उसको शहीद का दर्जा मिले। आज ये जमनीपुर में राजीव कुमार सिंह जी का शव आया था, जिनकी मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई थी, सीआरपीएफ की तरफ से आया था। तो यहाँ परिवार वालों का ऑब्जेक्शन था, परिवार वालों की पुनः मांग थी कि पुनः से उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसके लिए उन्होंने उनसे एप्लीकेशन ले ली गई है आगे से कार्रवाई के लिए। चंदौली से अजय राय की रिपोर्ट। वक्त चल एक ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव नजदीक होने के चलते उत्तर प्रदेश के चंदौली में बीजेपी की कमल संदेश बाइक रैली के जवाब में सपा ने जन संदेश बाइक रैली निकाली। बता दें कि इस रैली में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें बिना हेलमेट के हजारों सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और जिले में यातायात माह की हवा निकाल दी। टीआई के सामने ही सपा कार्यकर्ता बिना हेलमेट नारेबाजी करते रहे और मुगलसराय चकिया मार्ग को घंटों जाम कर दिया। एक ओर जहां ट्रैफिक पुलिस आम लोगों का चालान काटती है, वहीं सपा नेता और कार्यकर्ता कानून का मखौल उड़ाते हुए नजर आए। वहीं जब अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। समाजवादी जन संदेश बाइक रैली आज ये चकिया तिराहे से स्वर्गीय गंजी प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधायक के इस मूर्ति से प्रारंभ होकर जिला मुख्यालय जाएगी। जिले के विभिन्न स्थानों से भी लोग आ रहे हैं, चारों विधानसभा से। इस रैली के माध्यम से भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करना है। भाजपा ने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, खाद बीज का दाम महंगा, डीजल पेट्रोल का दाम महंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, एक भी नौकरी देने का काम आज तक नहीं हुआ। इनके पार्टी पदाधिकारियों को इस संबंध में एक नोटिस जारी की जाएगी कि वो इस तरह की कार्रवाई अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे कराए हैं और इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसमें कानून क्या कहता है? अब कानूनी रूप से इनको कि स्वयं हेलमेट पहने, जिससे कि उनके कार्यकर्ता जो भी उनसे सूची मांग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई जो भी MB Act के प्रावधान है उसके तहत। चंदौली से अजय राय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में एसडीएम ऋतु पुनिया ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक किया। बता दें कि नगर के नवाज गर्ल्स इंटर कॉलेज और बीआर कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली को एसडीएम ऋतु पुनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के जमकर नारे लगाए। मौके पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एसडीएम ऋतु पुनिया ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका सीधा संबंध हमारे क्षेत्र के विकास से जुड़ा होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। साथ ही एसडीएम ने 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके छात्रों से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का आह्वान किया। देवबंद से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश में तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।